भावनता होती है, सैनिक होती है, वो भी अपनी कला को देखते हैं। बारह अनुभव चूंकि कम है, हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा शायरी सुने। मैं अपनी गुफ्तगू का भी रखूंगा, लेकिन अकबर इलाहाबादी के ताल्लुक से, क्योंकि ये उनकी वफात के 100 वर्ष मुकम्मल होने पर, उनकी 100वीं बरसी के मौके पर, जो उनका 175वां जो पैदाइश का साथ भी है, इस सेमिनार की बड़ी अहमियत है। इसलिए उन्होंने ये साबित किया अपनी शायरी के जरिए कि वो शायरी जो वक्त की नब्ज पर उंगलियां रखकर की जाती है, वो शायरी जो अपने अहद से हमाहंग होती है, वो शायरी की जो अपने अहद की जबान को, अपने अहद की नब्जात को पूरी करती है, वो शायरी बहुत देर तक जिंदा है। ऐसे बहुत से अशआर हैं अकबर इलाहाबादी के कि जो उन बड़े शोरा से जिन पर पूरा अदब टिकता है या जिन सुकून है, उनके शेरों के मुकाबले रखे जाए मकबूलियत के हवाले से, तो दर्जनों अशआर हैं अकबर इलाहाबादी के जो हमारे मामले का हिस्सा बन जाते हैं। और अच्छे शेर की बहुत सी खूबियां हैं, हम सब लोग अदब के तालिबिल में स्कॉलर में या सांसदा सब जानते हैं, बहुत सी तारीफें हैं, लेकिन अच्छी शायरी या अच्छे अदब की तारीफ ये भी की जाती है कि अच्छा शेर या अच्छा अदब हमारे मामले का हिस्सा बन जाता है। तो मकबूलियत के मामले में अकबर इलाहाबादी भी हमारे दिगर शोरा से जो बड़े नाम है उनसे कम नहीं है। इसलिए कि तमाम मौके पर हम अकबर इलाहाबादी के अशार के साथ अपना सफर तय करते हैं। दुनिया में वो दुनिया से तलबगार नहीं है, बाजार से गुजरा वो खरीदा है। ऐसे अच्छे शेर भी उन अशार के अलावा जो आपके हाफले का हिस्सा है, जिसमें एक शौकी है, तंज है, लेकिन उनके अलावा भी उनके अशार हैं वो ऐसे जिन पर हम फिक्र और दानिश के नए कोशों को उजागर होते हुए देखते हैं, वो अकबर इलाहाबादी की शायरी का हिस्सा है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, एक बड़ी जरीफा एक मोहम्मद खातून का वीडियो था कि इस बार कोई पैगाम या जो आम भेजिए, तो बड़ा मकबूल हुआ होगा अकबर इलाहाबादी का वीडियो, तो उससे अंदाजा होता है कि अकबर इलाहाबादी की शायरी किस तरह से हमारे जहनों में दुरुस्त है, हमारे जहनों में दुरुस्त है। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि अकबर इलाहाबादी के 10वीं अशआर आप अभी सुना सकते हैं, मैं भी सुना सकता हूं, मैं दरमियान में कोशिश करूंगा उन अशआर का जिक्र करता रहूं ताकि आप उनसे ताजा होते रहें। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत फहरिस्त है हमारे दरमियान मोहतरम इकबाल आसमी साहब, जो सीनियर शायर बहुत प्यारा नेता है, जनाब जावेद मुशीरी साहब, डॉक्टर राशिद अरवर राशिद साहब जो अलीगढ़ से खासतौर से सेमिनार में शिरकत के लिए तशरीफ लाए, डॉक्टर खालिद मुर्शीद साहब, आप सब उनसे बातचीत में जानिए से वाबस्ता हैं, और सबा अजीज साहिबा इधर जिन शायरात में बहुत तेजी के साथ अपने लिए जगह बनाई है, उसमें सबा अजीज साहिबा का नाम लिखा है। उधर अक्षर मिजू साहब और कुछ लोग हमारे साथ जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ऑनलाइन सुनेंगे, तो उनसे जिक्र करूंगा जब वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं, बड़ा मसला होता है नासिम के सामने कि वो किससे मुशायरे का आवाज आए, तो उसके लिए बहुत से पैमाने हैं, उसमें मेजबान शोरा को देखा जाता है, तमाम शोरा को देखा जाता है, जूनियर शोरा से भी आवाज कराया जाता है, और कभी कभी मुशायरा उल्टा भी चलता है कि हम सीनियर शोरा से आवाज करा देते हैं और फिर जूनियर से कराया जाता है। लेकिन इन सब के दरमियान कई मौके ऐसे आते हैं जब एक नफ्सियाती निगल होती है मुशायरे के आवाज को पढ़ने में, तो वहां नाजिब मुशायरा अक्सर अपनी कुर्बानी दे दिया करता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आज इस मौके पर अपने अशआर से इस प्रोग्राम का आगाज कर दूं, और आप डेमोशन किया और आप आमादा होंगे, मतलब मुझे लग रहा था कि जो पिछला हमारा हुसैन अहमाद है, ये जो कोशिश आपकी है पीछे को अभी शायरी बल्कि कुछ और कर रहे हैं, बल्कि आप अभी शायरी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकल शायरी हो गया और बस हमारे शेर सुन ले तो आना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बैठी यहाँ पर तालीबी रहा हूँ, वो ये सब यहाँ का हिस्सा है, यहाँ जिंदगी होती है, यहाँ पर मोहब्बतें होती हैं,
तो मैं चंद शेर यहां से अपने आपकी चर्चा में पेश करता हूं। एक पंक्ति मैंने पेश करता हूं डॉक्टर एम डी मोहन साहब के सम्मान। अर्ज करता हूं कि जो निस्क शब्द में निदामस से होने लगती है, जो नीम शब्द में निदामस से होने लगती है, तहे शहूर इबादत से होने लगती है। जो नीम शब्द में निदामस से होने लगती है, तहे शहूर इबादत से होने लगती है। ये शेर जाहिर है किसी को यहां पर इसको सुना जाना चाहिए था। हालांकि ये बत्ता पढ़ने का रिस्क मैं कॉलेज में खराब उठाने में ले लेता हूं। आज कोई पढ़ने का मौका था कि सब दानी करोड़ मनुमान अच्छा लगा कि आप रखने वाला है। कहीं शौर इबादत सी होने लगती है। शेर पढ़ रहा हूं आप लोगों के जो के काम आएगा आपको कहीं तो करने लगेगा। और करता हूं कि कहीं शौर इबादत सी होने लगती है, मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, बहुत मिलो तो मोहब्बत से होने लगती है। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, बहुत मिलो तो मोहब्बत से होने लगती है। और शेर तसलसल के साथ पढ़ रहा हूं। पहले असारसा कथाबंद अशार कहा करते थे या मुसलसल लफ्जों का रिवाज था, तो मैंने भी ये शेर इससे इसके करीब पर कहा है, तो मैं इसको सीक्वल कहता हूं। उसका सीक्वल है जो शेर जो आना, तो ये भी सुनिए दोस्तों, अच्छा लगेगा कि मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, कि न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। किसी किसी की तो आदत नहीं होती। बहुत शुक्रिया। एक बनता हो शेर और पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं कि आंसू है ना आहें, न कोई दुख है ना गम है। आंसू है ना आहें, शाहरुख कबीर साहब कि आंसू है ना आहें, न कोई दुख है ना गम है, इस बात पर कि इश्क तो औसत ही कम है। वीडियो बना रहा हूँ, कल और दा दे देंगे। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर पेश कर रहा हूँ, लतीफ इसकी लाशौरी तौर पर तब्दील हो गई है, मुझे अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन शेर मुझे साफ हुआ है। ये मैंने इसलिए बताया कि कई मरतबा जब ऐसा हादसा होता है तो हमारे सामयीन या हमारे मुंत शोरा शेर भी सुनते बल्कि गणित लगा देते हैं, मैथमेटिक्स मान जाते हैं, ये तो लोग नहीं बदलते। मैं इसलिए बता देता हूँ कि कुछ कम्युनिकेशन गैप ना हो, शेर बनता है। अर्ज करता हूं कि इस बार का इश्क तो औसत से भी कम है, हम आखिरी नंबर पे हैं पैरिस में उसकी। लिख लीजिए शेर डायरी में कि आंसू है ना आगे, न कोई दुख न कम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है, हम आखिरी नंबर पे हैं पैरिस में उसकी, जब कोई मयसर नहीं होता है तो हम नहीं। पेरिस पे उसकी जब कोई मयसर नहीं होता है। हमारे दोस्त का सांसद तशरीफ वर्मा है, मैडम है अजमन आरा साहिबा है, तो पता नहीं चलता मास्क में आजकल पहचान नहीं होती, तो गड़बड़ होता है। तो चाहे हमारे साहब शेर सुना, जब आखिरी नंबर पे पेरिस पे उसकी जब कोई मयसर नहीं होता है तो हम हैं। बस चल शेरे नजर के फिर आपकी ये गजल मैं आप सब लोगों को एतमाद के साथ सुना रहा हूं। अर्ज करता हूं कि शौके जुनून के कष्ट में जख्मी तो हम हुए, शौके जुनून के कष्ट में जख्मी तो हम हुए, लेकिन किसी की राह में कांटे भी कम हुए। शौके जुनून के कष्ट में जख्मी तो हम हुए, लेकिन किसी की राह में कांटे भी कम हुए, लेकिन किसी की राह में कांटे भी कम हुए। और शेर पर रहा हूं कि इन खुद पसंदियों से तो नुकसान ही हुआ। दानिश भाई शेर पेश कर रहा हूं और हमारे अमन सैनी साहब ने यहां की शिकायत कर दी, इन खुद पसंदियों से तो नुकसान ही हुआ, इन खुद पसंदियों से तो नुकसान ही हुआ,
जितना बढ़ाया आपको दुआ उतनी ही कम थी। जितना बताया उनको हम उतने भी कम हुए, सारी फजीलतें नहीं मिलती विवाद से, सारी फजीलतें नहीं मिलती विवाद से, दस्तार ओढ़ कर भी वो कम मोहतरम हुए। सारी फजीलतें नहीं मिलती विवाद से, सारी फजीलतें नहीं मिलती विवाद से, दस्तार और कर भी वो कम मोहतरम हुए, दस्तार और करती वो कम मोहतरम हुए। और ये शेर भी पेश कर रहा हूं, शायद हमारे मन में कमी रह गई कोई, शायद हमारे मन में कमी रह गई कोई, दस्ते हुनर हमारे ना तो कदम, शायद हमारे मन में कमी रह गई, शायद हमारे मन में कमी रह गई कोई, दस्ते हुनर हमारे ना तब कलम हुए, दस्ते हुनर हमारे ना तब कलम हुए, इन सिस्कियों से दर्द हुए साज बेशुमार, इन सिस्कियों से दर्द हुए साज बेशुमार, इन आंखों से कितने सितारे खत्म हुए। बहुत शुक्रिया। इन सिस्कियों से दर्द हुए साज बेशुमार, इन आंखों से कितने सितारे खत्म हुए। और ये शेर जी मैं आप सब लोगों के दस साथ जो हमारे छोटे भाई हैं और किसी खास मकसद में लगे उनके लिए शेर बना अर्ज करता हूँ, ये उनका मकसद आया जो शेर में बयान करता कि मंजिल पे भी पहुंच के रहा फासला वही, मंजिल पे भी पहुंच के रहा फासला वही, कुछ हम सफर हमारे कहां हम कदम हुए, मंजिल पे भी पहुंच के रहा फासला वही, कुछ हम सफर हमारे कहां हम कदम हुए, कुछ हम सफर हमारे कहां हम कदम हुए। और आखिरी शेर जिम्मेदारी की तरफ आपको लाते हुआ पेश करता हूं कि इन बेसरों की भीड़ में ये देखना है पूरा मिलती और कौमी मंजरनामा और पूरी सूरत हाल कर्म शेर मिलना है कि कुछ हम सफर हमारे कहां हम कदम हुए, इन बेसरों की भीड़ में डाक्टर इन बेसरों की भीड़ में ये देखना है, इन बेसरों की भीड़ में ये देखना है अब सर कितने कम हुए क्या कितने कदम हुए, इन बेसरों की भीड़ में ये देखना है सर कितने कम हुए यहाँ कितने कदम हुए, सारी फजीलतें नहीं मिलती विवाद से, दस्तार और करती हो सब और